अरे अभी फिर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। समझ नहीं आता है कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें नीट का। यार रमेश भैया का नीट निकल गया इस बार, उनसे पता करते हैं कॉल करके। रमेश भैया का नंबर है क्या मेरे पास? होगा ही, तो चेक करते हैं। ये बता पाएंगे ना हमको अच्छे से कि कैसे पढ़ना है? यहाँ पे गांव में तो कुछ समझ में नहीं आता, यूट्यूब वीडियो खाली देखते रहते हैं, और यूट्यूब वीडियो में तो खाली स्ट्रैटेजी है कैसे पढ़ना है पता नहीं चल पाता है। रमेश भैया बताएंगे। अरे किसका फोन आ रहा है जी नंबर से? हेलो। हाँ रमेश भैया, हमको भूल गए आप? हाँ मतलब दूर है, तैयारी करने चल गए तो यहाँ पे गांव का लोग को अपन भूल गए ना, है ना? अरे हम चिंटू भाई, आपका चिंटू। हाँ अरे आपके आपके बगल में नहीं रहते थे, बगल वाले गली के में हैं? हाँ अब याद आया ना, साथ में खेलते थे गली क्रिकेट। हाँ तो रमेश भैया सुने हैं कि आपका नीट निकल गया है, क्रैक हो गया है सुने इस बार। ओ हाँ चिंटू, हाँ तुम तक भी खबर पहुंच गया नहीं मेरे नीट निकालने का? अरे भाई सब ऊपर वाले का कृपा है भाई। अरे आपका मेहनत है भाई, पूरा आपका मेहनत है, वरना हमार गांव से कहाँ कोनो का निकलता है नीट। आप पहला इंसान है जिनका निकला है, पहला स्टूडेंट है। अब बस यही है कि मतलब अपना कृपा बनाए रखिए अपने और जूनियर लोग पे और गांव के लोग पे। आप ही इंस्पिरेशन बने हैं हम लोग के लिए, तो मतलब हम भी, मेरा भी रुझान थोड़ा उधरे है, मतलब हम भी थोड़ा सोच रहे हैं डॉक्टरी करने का। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, सोचे कि कॉल मिला लिया आपको कि इसी बहाने बधाइयों दे देंगे या थोड़ा सा आपसे मतलब वही मदद तो मान लेंगे। हाँ मेरा नंबर को मेरा सेव कर लीजिएगा, हाँ ब्लॉक मत डालिएगा। हाँ लगा ही था इसीलिए कॉल किया होगा। हाँ चिंटू, अरे नहीं भाई ब्लॉक क्यों करेंगे तुम्हारा नंबर। और जहाँ तक तैयारी का बात है तो अभी से इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि एकदम कैसे तैयारी करेंगे। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा, वही प्रॉपर कॉन्सेप्ट को लगा कर अगर तुम हमेशा से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अच्छे से टेस्ट दोगे, तो कोई तुमको नहीं रोक सकता है नीट क्रैक करने से। एकदम अच्छे से तैयारी करना है और क्या। अरे तैयारी करने का दिक्कत है ना भैया जी, पहले लगता था जब 10th तक थे तो लगता था कि एकदम जाएंगे 11th में, एकदम एकदम पढ़ के फाड़ देंगे, एकदम सीधे डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन अब 11th में आके लगता है कि मतलब अच्छा यहाँ पर मतलब पढ़ाई वढ़ाई उतना नहीं है, यूट्यूब वूट्यूब से ही देख कर काम चला रहे हैं, और उतना मतलब पापा उतना वो नहीं है कि हमको भेजें मतलब शहर वहर पढ़ने, बोल रहे गाँव में ही तैयारी करो। तो आपका सुन के बहुत अच्छा लगा, तो आप कुछ मतलब ऐसा बताइए ना कि हम गाँव में रह रहे ही कर लें। देखो अगर तुमको घर ही बैठे बैठे तैयारी करना है तो तुम्हारे पास हम एक बहुत ही अच्छा ऑफर हमको अभी हाल में दिखा है, वही बता रहे हैं कि अनअकैडमी जो है ना, अनअकैडमी वो लेकर आया है अनअकैडमी लाइट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इससे तुम दूर ही रहकर पूरा तैयारी कर सकते हो नीट का। इसमें तुमको टेस्ट सीरीज देने का भी मौका मिलेगा, और साथ ही साथ प्रिंट किया हुआ स्टडी मटेरियल नीट यूजी का तुम्हारे घर पर तुमको मिल जाएगा। इसमें तुमको समझ रहे हो 32 टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जो एकदम टॉप के जो टीचर एजुकेटर रहते हैं ना उन लोग सेट करते हैं, जिसमें से क्या 18 तुम्हारा मॉड्यूल टेस्ट हो गया, 6 क्यूमुलेटिव टेस्ट हो गया, और 8 पूरा फुल लेंथ का टेस्ट हो गया। और सबसे अच्छा बात है कि तुमको जो 12 प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मतलब 12 बुक्स मिलेगा तुमको जो तुम्हारे डोर स्टेप पे तुम्हारे गांव में पहुंचा देगा तुमको। और जैसा कि एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो ये 12 जो बुक रहेगा उसमें पूरा एनसीईआरटी का कवरेज रहेगा, और बहुत अच्छे से, ताकि तुमको पिक्चर से ही समझ में आए पूरा का, जितना भी लिखावट रहेगा बहुत अच्छा से विजिबल रहेगा, तुमको अच्छे से दिखेगा। और उससे भी बढ़िया बात जिसकी वजह से हम तुमको बोल रहे हैं ज्वाइन करने, वो ये है कि इसका प्राइस जानते हो कितना है? खाली 5,554 है, मतलब 5,554 में तुमको ये सब मिल रहा है, और तुम आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। और अगर इसी के साथ तुम्हारा और कोनो दोस्त को अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसको बता दो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले ले, बहुत अच्छा डील चल रहा है, या फिर उसके अलावा अनअकैडमी प्लस भी ले सकता है। एंड इसमें अगर डिस्काउंट कोड लगा दो SOBIA10 तो 10% डिस्काउंट मिलेगा उसको, बता देना ठीक ना। और अपना भी जल्दी से तुम करवा लो, और कोड SOBIA10 यूज करना मत भूलना डिस्काउंट के लिए। अरे वाह भैया जी,
ये तो बहुत अच्छा बात हमको आप बता दिए हैं, ये सुन के अच्छा लगा, मन को खुशी मिला कि चलो हम भी दूर से तैयारी कर सकते हैं, सुख मिल जाएगा, दूर से तैयारी कर लेंगे अच्छे से। हाँ, और अच्छा लगा सुनकर। हाँ, वैसे भैया जी आपको उतना परेशान और नहीं करेंगे, बस आपसे एक बात और पूछना है, मतलब थोड़ा अंदर से चुल मचा हुआ पूछने का, कि जब आपको मतलब पता चला होगा कि मतलब मार्क्स देखने के बाद या रिजल्ट आने के बाद जब आपको मतलब पता चला होगा कि आपका निकल गया है नीट, तो आपको कैसा लगा था, मतलब एकदम मजा आ गया होगा आपको, तो एकदम कैसा लगा था असल में, और आपके हाँ अंकल आंटी को कैसा लगा था, थोड़ा हमको बताइए, अंदर से एकदम उछल मचा हुआ है। हाँ चिंटू, जब पता चला था तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब यकीन नहीं हुआ था एक पर से कि निकल गया है मेरा। बहुत मतलब एक दो साल से घिस रहे थे यहाँ पर, अब निकल गया तो बहुत दिल को सुकून मिला, माँ बाबा को बताया तो उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा, उन लोग को तो मतलब रैंक सुनकर कि कॉलेज मिल जाएगा होशे उड़ गया उन लोग का। अभी देखो काउंसलिंग में क्या होता है। हाँ भैया जी, वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, हाँ ये एक्सपीरियंस से अलग है कुछ, मतलब अलग ही टाइप का होता है, हमको भी मतलब डॉक्टर लोग को देख के इतना अच्छा लगता है ना, कि लगता है कभी हम उसके जगह पे होंगे तो मतलब अपने घर का तो पूरा गरीबी मिटा देंगे एकदम, अच्छे से कमाएंगे, घर चलाएंगे अपना अच्छे से, और तो और गरीब लोग भी अपने जैसे गरीब लोग को मदद करेंगे, असल तो वही मकसद है। अच्छा लगा सुनकर आपसे बात करके। भैया जी, कौन सा कॉलेज जाने का इरादा है आपका? हाँ हमको पता है हम आपको बहुत देर से चाट रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बात, देखो अब उतना टॉपर जैसा रैंक तो हमारा आया नहीं है कि हम एकदम मतलब मौलाना आजाद या एम्स दिल्ली सोचें, लेकिन हम चाहते हैं बस ठीक ठाक ढंग का अच्छा कॉलेज मिल जाए, हमारे स्टेट में मिल जाएगा तब भी अच्छा है, स्टेट वाइज भी देंगे ऑल इंडिया भी देंगे, अब कुछ ही दिन में पता चल जाएगा, अच्छा ही मिले तो बेहतर है, वैसा कुछ मतलब देखते हैं क्या होता है, मिल जाएगा कॉलेज तो तुमको पक्का बताएंगे। हाँ भैया जी, मनोकामना करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो कॉलेज आपको मिल जाए, और भैया जी मेरा नंबर ना सेव कर लीजिएगा। हाँ हमको पता है कि आपको लग रहा है कि हम आपको बाद में भी कॉल करके ऐसे ही जानने वाले हैं, लेकिन ब्लॉक मत करिएगा, कभी कभार मैसेज कर दिया करेंगे आपको पता उता करने के लिए, तो आप थोड़ा बहुत हमको मतलब गाइड कर दीजिएगा। ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी, बाय। ठीक है जी, ठीक है, चिंटू रखो। अरे वो काउंसिलिंग का बात किया तुम, पता किया है? हाँ वीडियो बनाएंगे उस पर भी अगला, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को।